जब कब्री अंधेरी में घबराऊंगी मैं तन्हा, इमदाद मेरी करनी, आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह सरा करना, जब वक्त नसाए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ पर की महशर में भरम रखना, रुसवाए जमाना हूँ कमली में छुपा लेना, रुसवाए जमाना हूँ दोज़ख से बचा लेना। 5 मिनट ही रह गए हैं बस। नहीं हो अभी ऐलान तो हुआ है। हाँ 5 मिनट ही बोला कि 5 मिनट रह गए हैं। 11 मिनट। अच्छा, चलो आ जाओ मम्मा अभी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस बट व्लॉग्स। होप सो यू आर डूइंग वेल व्यूवर्स। ये है शबे बारात की रात का व्लॉग है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना था। थोड़ा लेट हो गया था, अम्मी की तरफ गई हुई थी, बस वहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा यूज़र्स होते हैं वाईफाई के, तो सिग्नल्स इशू अपलोड नहीं कर पाई ना। अच्छा जी, रात हम लोगों ने सारी इबादत की थी और मॉर्निंग में रोज़ा रखा था, और उसके बाद दोबारा सोने का टाइम ही नहीं मिला था क्योंकि घर में छोटी सी कुरान हानी रखवाई थी मदरसे के बच्चों ने, आना था 10:30 बजे कुरान पाक पढ़ने, तो मैंने बनानी थी बिरयानी। और एक तरफ जो बच्चे जिनका रोज़ा नहीं था थोड़ी सी चाय बच्चों के लिए बना दी थी, और यहाँ पर मैं बना रही बिरयानी। बिरयानी के लिए ज़्यादा बनानी थी क्योंकि हमारी फैमिली भी थी, एक दो बाहर भी देने थे, मदरसे के बच्चे भी थे। तो मैंने क्या किया था, मसाला पहले तैयार कर लिया था क्योंकि मैं सुबह के टाइम सोई नहीं थी, और चिकन भी फ्राई कर लिया था, मसाला भी तैयार कर लिया था। 5 किलो चिकन था और 6 किलो चावल थे, तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ 3-3 किलो करके ना देगचे में बना लेती हूँ। तो मसाला मैंने अच्छे से ना फ्राई करने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लिया था क्योंकि वो फिर ब्लेंड हुआ ना मसाला तो टेस्ट अच्छा आता है। जितना भी आपने प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन अदरक बिरयानी मसाले का पैकेट गरम मसाले खुले साबुत मसाले जो भी आप चीज़ें डालते हैं ना उनको बाद में ब्लेंड करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, हम जैसे बिरयानी का कौरमा तैयार होता है ना, यहाँ पे मैंने एक कौरमा तैयार कर लिया है। अब चावल भी डिप कर दिए हैं, इसी तरह 3 किलो मतलब इस तरह बन जाएंगे, 2.5 किलो चिकन, 3 किलो चावल, एक देगचा तैयार हो जाएगा। और जो बाद में सेकेंड शिफ्ट में जब मदरसे के बच्चे खा के चले जाएंगे फिर 12:30 बजे गैस ज़्यादा तेज आएगी, तो फिर मैं दूसरा मतलब ना देखचे में दूसरी शिफ्ट तैयार कर लूंगी। उससे ये होगा कि चावल जरा खुले खुले आसानी से बन जाएंगे, देखचा छोटा और जगह भी जरा कंजस्टेड है, और किचन यूज़ भी होना था क्योंकि जिन लोगों ने नहीं रोज़ा रखा था काफ़ी सारे मेंबर्स थे, बच्चे भी थे, तो बस उनका खाने पीने का ईटिंग सेशन चल ही रहा था और वो ख़त्म नहीं होने वाला था। अच्छा, वैसे मैं अल्लाह ताला का लाख 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 जितना शुक्र करूँगा मैं कि मेरे हाथ पे मुझे मेरे बचपन से तो नहीं है, मैंने मैट्रिक लाइफ के बाद कभी खाना बना लिया, कभी बाबा ने फरमाइश की तो बना दिया, तो मेरे हाथ में बरकत बहुत है। मुझे थोड़ी सी चीज़ भी आप देंगे ना कि आपने इस नीयत से बनानी है कि समय पूरी हो जाए, या कोई मुझे कह दे कि हमें कुछ बना दो, तो मैं जो बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो समय पूरी हो जाती है। तो सब मेरे ख़ानदान में मशहूर है कि मेरा हाथ बहुत बरकत वाला है, तो अल्लाह से बस यही दुआ है हमेशा ही ऐसे रहे। और यहाँ पे बच्चे आना शुरू हो गए हैं मदरसे से कुरान हानी के लिए, कारी साहब भी अभी आ जाएंगे, काफ़ी सारे बच्चे थे। दिल तो बहुत है अंदर जाके वीडियो बनाऊँ लेकिन अच्छा नहीं ना लगता, समझ सकते हैं आप लोग, पर बच्चे भी शाय फील करते हैं। मैं बस ये ना दम पे रखे ना बाद में डाल देती हूँ।
मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे चावल ऑलमोस्ट डन थे, बस इसको 5 मिनट और दम लगाऊंगी तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगे। और माशाल्लाह से अंदर कुरान हनी भी कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे के अंदर ही बच्चे पढ़ लेते हैं। दो दो दफ़ा उन लोगों ने सपारे पढ़े हैं। हाफ़िज़ कुरान मोस्टली बच्चे हों तो फिर जल्दी पढ़ लेते हैं। हाँ, उनमें जो कुछ छोटे बच्चे थे शायद उनकी स्पीड कम होगी। अफ़ान रियान भी अंदर ही थे। और अब यहाँ पर खाना हम रख देंगे और दुआ होनी है। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين آمين يا الله سبت صغيرة كبيرة غناهكم عفوا آمين يا الله تمام أمة مسلمة کو هدايت نصيب آمين يا الله جو بهدايت ان کو هدايت نصيب آمين يا الله مؤمنين مؤمنات جتنے دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما آمین یا اللہ جو بیمار ہے یا اللہ ان کی بیماریوں کو یا اللہ صحت میں بدل دے آمین یا اللہ جو پریشان حال ہے یا اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما آمین یا اللہ باجی نے ادھر بچوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا ہے ان بچوں نے پڑھا ہے یا اللہ اس کو اپنے الہی میں قبول و منظور فرما آمین یا اللہ جس مقصد کے لیے پڑھایا گیا ہے یا اللہ اس کو پورا فرما آمین یا اللہ چھوٹا بچہ ہے ابو بکر اس کی صحت خراب ہے یا اللہ اس کو صحت تندرستی نصیب فرما اور ویورس اس طرح سے دعا کے بعد بچوں نے کھانا وغیرہ کھایا اپنے گھر چلے گئے تھے اور میں اپنے روٹین کے کاموں میں بزی ہو گئی تھی جو باجی کے بچے ہیں بیٹے ہیں یا اللہ ان کے آپس میں محبت اور الفت نصیب فرما یا اللہ تمام شر اور شرور سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ شرور کو خیر میں تبدیل فرما یا اللہ اس گھر کے اوپر اپنا رحمت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما حاسدین ویورس اندر دعا ہونے کے بعد بچوں نے ماشاء اللہ سے کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کو چلے گئے تھے۔ اور یہاں پر یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ میں نے ایک پلیٹ تیار کی تھی۔ تو ویورس یہ سب نے کھانے کی بہت تعریف کی تھی، یہ فل کہتے ہیں نا ڈیگی کہہ رہی تھی، دیگی سٹائل بریانی بڑی مزے کی تیار تھی، شکل سے اچھی لگ رہی تھی، سب نے تعریف بھی بہت کی۔ اب سیکنڈ شفٹ میں ابھی لگاؤں گی، ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے، سب کے گناہوں کی مغفرت کرے۔ ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے آپ کو اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسا لگا۔ فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے۔ اللہ حافظ۔